सेंसस के मामले में आप इस वॉच पे रिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको फेक रिजल्ट्स मिलेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को देख के अपना डिसीजन ले लीजिए। क्या ये 3000 के रेंज में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्ट वॉच है? क्या आपको इसे खरीदना चाहिए, यस या नो? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखिए और एंजॉय कीजिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंडी टेक 5। सो आज मैं आप सब लोगों के लिए बोट वॉच एक्सटेंड का इन डेप्थ रिव्यू लेके आया हूँ। और एक्चुअली मैंने ये वॉच लॉन्च के टाइम ही परचेस की थी और ऑलमोस्ट मैं 1 वीक से ज़्यादा हो गया इसे यूज़ कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में आपको मैं इस वॉच का प्रोस और कॉन्स सभी बताने वाला हूँ और मैं मेरा पर्सनल वर्डिक्ट भी देने वाला हूँ। इस वीडियो को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। सो पहला होगा प्रोस और दूसरा होगा कॉन्स। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर लिस्ट बना दी है प्रोस और कॉन्स का। सो वीडियो को पूरी देखिए, एंड तक देखिए, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। सो बिना देर के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम प्रोस से शुरू करते हैं। जो भी मुझे इस वॉच का अच्छा लगा उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो पहला पॉइंट है डिज़ाइन। सो डिज़ाइन के मामले में ये वॉच मुझे काफ़ी अच्छी लगी। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और स्पेसिफिकली ये जो कलर है काफ़ी अच्छा है, ग्रेडियंट कलर है, गोल्डन कलर, और काफ़ी प्रीमियम दिखती है जब आप हाथ में पहनते हो तो एक प्रीमियम लुक देती है। सो डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। स्ट्रैप क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है और ड्यूअल टोन होने की वजह से काफ़ी प्रीमियम वॉच दिखती है। सो सेकेंड पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा वो है हार्ट रेट मॉनिटरिंग। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो हार्ट रेट मॉनिटरिंग काफ़ी एक्यूरेट है। मैंने मेडिकल इक्विपमेंट के साथ जो भी मेरा पल्स ऑक्सीमीटर है उसके साथ चेक करके देखा है एक्यूरेसी। सो हार्ट रेट मॉनिटरिंग काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग मिलता है। मैंने मेडिकल इक्विपमेंट जो मेरे पास पल्स ऑक्सीमीटर था उसके साथ चेक करके एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। सो एक्यूरेसी वाइज हार्ट रेट मॉनिटरिंग काफ़ी अच्छा है। सो नेक्स्ट है स्लीप मॉनिटरिंग। सो वो भी मैं दिखा देता हूँ। सो मैंने ऑलरेडी एक बार इसे भी टेस्ट किया है। सो स्लीप मॉनिटरिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से स्लीप आपकी मेजर कर लेता है, डीप स्लीप, लाइट स्लीप, और काफ़ी एक्यूरेट है। सो थोड़ी आपको डिफरेंस मिल जाएगी स्लीपिंग टाइम के हिसाब से, पर वो मैंने सारे वॉचेस में देखे हैं। वो बेसिकली डिपेंड करता है आपके हार्ट रेट पे, बिकॉज हार्ट रेट के इस पे ये स्लीप मॉनिटर करता है। सो समटाइम्स ये थोड़ा टाइम डिफर होता है, पर एक्यूरेसी वाइज काफ़ी हद तक ये अच्छी तरह से मेजरमेंट कर लेता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस मॉनिटरिंग। यहाँ पे आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिल जाता है और मुझे ये काफ़ी ओके लगा, क्योंकि ऐसा मुझे अलर्ट ऐसा नहीं आया कि हाई स्ट्रेस है। कि मुझे नॉर्मली मेरे और एक नॉइस फिट एक्टिव स्मार्ट में और नोटिफिकेशन आता था हाई स्ट्रेस करके, एक बग था, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वो आराम से करेक्टली वर्क करता है। सो नेक्स्ट प्रो है वॉच फेसेस के रिलेटेड। सो अगर आप उनके ऐप में जाओगे, यहाँ पे आपको डिवाइस के सेक्शन में वॉच फेस मार्केट करके एक कैटेगरी है, अगर वहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको सारे वॉच फेसेस दिखाई देंगे। यहाँ पे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने कैटेगराइज करके रखा है सभी वॉच फेसेस। न्यू अराइवल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, एनालॉग वॉच फेसेस यहाँ पे मिल जाते हैं। सो पर्टिकुलरली उन्होंने कैटेगराइज करके रखा है, सो आपको सिलेक्शन करने के लिए बहुत इजी होता है। सो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत वॉच फेसेस आपको इस वॉच के लिए मिल जाते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग सेक्शन रिलेटेड। सो वो भी वो उनका ऐप रिलेटेड ही है। अगर आप उनके ऐप में जाओगे तो यहाँ पे ट्रेनिंग करके एक टैब है। यहाँ पे आपको आउटडोर रनिंग, आउटडोर वॉकिंग ऐसे बहुत सारे आउटडोर एक्टिविटीज़ का ये ऑप्शन मिल जाएगा, जिस यहाँ पे जीपीएस की मदद से आपका ट्रैकिंग हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने एक ट्रैकिंग किया हुआ था, मैं दिखा देता हूँ। सो देखिए ट्रेनिंग का तो मैंने एक ट्रायल किया था। यहाँ पे
मुझे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाती है, लाइक आपने कौन सा पाथ लेके ट्रेवल किया है और ट्रेनिंग टाइम कितना था, कैलरीज कितना था, एवरेज पेस, एवरेज स्पीड कितना था, एवरेज स्टेप साइज कितना था, स्टेप फ्रीक्वेंसी कितना था, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने थे, हार्ट रेट कितना था। और यहाँ पे आप देखोगे तो हार्ट रेट जोन, यहाँ पे वार्म अप हार्ट रेट, फैट बर्निंग हार्ट रेट, एरोबिक एंड्योरेंस, एनएरोबिक एंड्योरेंस, एक्सट्रीम एक्सरसाइज, ये सब आपको यहाँ पे दिख जाता है। सो ये बहुत ही इन डिटेल में उन्होंने इसके बारे में बताया, SPM स्टेप्स पर मिनट आपको दिख जाता है। सो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा काम किया है बोट ने इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। सो मैंने एक ट्रायल किया था आउटडोर वॉकिंग का, सो आप देख सकते हो पूरा पाथ। सो ये मुझे अच्छा लगा, सो एक प्लस पॉइंट है इस वॉच का। सो नेक्स्ट जो मुझे अच्छा लगा है पेडोमीटर रीडिंग, सो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मैंने एक ट्रायल किया था, आप स्पोर्ट्स रिकॉर्ड में जाके देख सकते हो। सो देखो स्टेप्स, मैंने पेडोमीटर लाइक मैन्युअली काउंट किया था 225 स्टेप्स और यहाँ पे 224 स्टेप्स इस वॉच ने काउंट किए। सो एक्यूरेसी वाइज पेडोमीटर रीडिंग काफ़ी एक्यूरेट है और आपको पूरी डिटेल्स इसमें मिल जाती है, कैलोरीज कितने हैं, स्टेप्स पर मिनट कितने हैं, एवरेज हार्ट रेट कितना था और पूरा डिटेल्स आपको इसमें मिल जाता है। सो इन टर्म्स ऑफ पेडोमीटर रीडिंग ये वॉच काफ़ी एक्यूरेट है, आप इसे कम्प्लीटली रिलाय कर सकते हो। सो नेक्स्ट है एलेक्सा, अमेजोन एलेक्सा। सो ये मैंने भी यूज़ करके देखा है, इसे यूज़ करने के लिए आपको जस्ट पावर बटन को प्रेस करके रखना है, ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा और आपको नेक्स्ट कमांड दे सकते हो। इसमें आप अलार्म सेट कर सकते हो, टाइमर सेट कर सकते हो और बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हो, ये भी एक अच्छा फीचर दिया हुआ है। सो अमेजोन एलेक्सा एक अच्छा पॉइंट है। तो ये सब थे इस वॉच के प्रोस जो भी मुझे अच्छे लगे। अब हम चलते हैं कॉन्स की तरफ। सो पहला कॉन है बिल्ड क्वालिटी। सो डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, क्योंकि बिल्ड काफ़ी अच्छा है पर ये प्लास्टिक बिल्ड है, कम्प्लीटली इट इज़ अ पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, आपको यहाँ पे मिल जाता है। बिल्ड काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम भी है, इसमें कोई दो बात नहीं है। सो अच्छी बिल्ड है, पर अगर एक मेटेलिक बिल्ड या कि नॉर्मली अभी जो रिसेंटली सब स्मार्ट वॉच जो आ रहे हैं मेटेलिक बिल्ड एल्युमिनियम केसिंग के साथ आ रहे हैं, सो अगर एक एल्युमिनियम बिल्ड देते तो अच्छा रहता। और इस बिल्ड में मैं और दो पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ, ये कलर का सस्टेनेबिलिटी या ड्यूरेबिलिटी हम कह सकते हैं। सो क्योंकि मैं जब यूज़ कर रहा था यहाँ पे एक स्क्रैच ऑलरेडी गिर गया है, आप अगर देख सकते हो यहाँ पे एक स्क्रैच गिर गया है। सो ये एक्सटर्नल पाउडर कोटिंग है, ये इनबिल्ट प्लास्टिक कलर नहीं है। सो ये फेड आउट भी हो सकता है मेरे हिसाब से, वो इतना कितना ड्यूरेबल है उसके बारे में अब तक मुझे कुछ मालूम नहीं है। सो अगर ये सस्टेन कर लेता है तो अच्छा है। और यहाँ पे उन्होंने एक ब्लैक कलर का एक ग्रेडियंट देके बहुत ही अच्छा लुक दिया है, प्रीमियम लुक दिया है, दिखने में काफ़ी प्रीमियम दिखती है ये। सो और एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहता था जो कि है ब्रेजल्स। सो आप देख सकते हो ऊपर के जो ब्रेजल्स हैं वो छोटे हैं यहाँ पे और नीचे के जो ब्रेजल्स हैं वो थोड़े बड़े हैं। सो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हुआ है। सो एक थोड़ा एक ऑड दिखता है सम वॉच फेसेस में, थोड़े वॉच फेसेस में थोड़ा ऑड दिखता है। सो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते तो काफ़ी अच्छा रहता। 1.69 इंच का स्क्रीन है, सो 1.75 इंच का स्क्रीन दे के इक्वल ब्रेजल्स अगर रखते तो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है इस वॉच के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ जो कॉन है इस वॉच का, वो है ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग। तो एक्चुअली ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतने बड़े ब्रांड जैसे कि पोर्ट से मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग मैंने चेक करके देखा है और मैंने इसका डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है। सो अगर आपने नहीं देखा सो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। सो ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग में आपको अनरियलिस्टिक वैल्यूज़ बहुत बार मिल जाते हैं, मैंने चेक करके देखा है। सो नेक्स्ट कॉन है कॉल के लिए रिलेटेड। सो जब भी कॉल आता है आपको, सो यहाँ पे आपको म्यूट करने का ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ एंड करने का ऑप्शन है। वो एक्चुअली म्यूट करने का ऑप्शन देना चाहिए था। सो ये यहाँ पे आपको इस वॉच में नहीं मिलता है। सो ये कौन है। सो नेक्स्ट कौन है नोटिफिकेशन अलर्ट के बारे में। सो अगर आप उनके ऐप में देखोगे यहाँ पे आपको मैसेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन, यहाँ पे प्री डिफाइंड ऐप्स है, सभी ऐप्स के नोटिफिकेशन आप ऑन नहीं कर सकते हो। तो ये मुझे कौन लगा। सो एक्चुअली वो एक्सेस देना चाहिए था सभी ऐप्स का नोटिफिकेशन और कस्टम ऐप्स का नोटिफिकेशन ऑन करने का एक ऑप्शन मुझे यहाँ पे बोट को देना चाहिए था। सो नेक्स्ट पॉइंट है मैसेज रिलेटेड। सो यहाँ पे आपको आप मैसेज तो पढ़ सकते हो पर रिप्लाई नहीं कर सकते, प्रीडिफाइंड मैसेजेस रिप्लाई करने का ऑप्शन इस वॉच में नहीं है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अगर आप नोटिफिकेशन पे जाओगे, सो मुझे बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हुए हैं, आप देख सकते हो। अगर मैं क्लिक करता हूँ सो आप पढ़ सकते हो, और अगर मैसेज लंबा है तो आपको
शॉर्ट मैसेज ही यहाँ पे दिखने को मिलेगा। पूरा मैसेज आप इस पर पढ़ नहीं सकते, आपको शॉर्ट मैसेज ही मिल जाएगा। एक्चुअली ये मैसेज इतना बड़ा था जो मेरे मोबाइल में आया था। सो आपको और मैसेजेस जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उसका प्री रिप्लाई नहीं कर सकते हो, वो एक प्रॉब्लम है। रिप्लाई करने का अगर प्री डिफाइंड कुछ मैसेजेस रहता तो अच्छा रहता। सो वो आपको यहाँ पे इस वॉच में नहीं मिलता। सो हमने सारे प्रोस और कॉन्स डिस्कस कर लिए हैं, और अगर मैं अपना पर्सनल वर्डिक्ट बताऊं, सो 3000 के रेंज में ये वॉच काफ़ी अच्छी है। आप आराम से परचेस कर सकते हो क्योंकि आपको एक अच्छी बिल्ड मिल रही है, डिस्प्ले बहुत ही अच्छी है, बड़ी डिस्प्ले है, और वॉच फेसेस भी काफ़ी अच्छे हैं। सो सेंसर्स भी काफ़ी एक्यूरेट है। एक ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, पर अगर ये फ्यूचर अपडेट के साथ अगर ये ठीक हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छी वॉच है। 3000 के रेंज में बेस्ट वॉच हम कह सकते हैं 3000 के रेंज में। सो आप आराम से इसे परचेस कर सकते हो। स्पोर्ट्स मोड, पेडोमीटर रीडिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग काफ़ी अच्छा है। सो फिटनेस फिट लोगों के लिए बहुत ही एक प्लस पॉइंट है। सो आप इसे आराम से खरीद सकते हो। इसे आप कम से कम प्राइस में आप अगर खरीदना चाहते हो तो मैंने मेरे पहले वीडियो में आपको कैसे खरीदना है उसके बारे में बताया है। सो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इट्स ट्रेंडी टेक 5 साइनिंग ऑफ।